ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कंसेप्ट है उदे बारे थोड़ा बहुत असी फोर्थ यूनिट वर्क पावर एनर्जी च भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली जदों फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो गल की जाती है तो वर्क डन बाय द फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स टर्म यूज करते हैं। तो या फोर्स ने काम करना या फोर्स के अगेंस्ट काम होना। तो जदों असी वर्क अगेंस्ट फोर्स करते हैं कैलकुलेट थ्रेटिकल की करते हैं पहला वर्क डन बाय फोर्स करके उन्हें नेगेटिव साइन नाल मल्टीप्लाई कर देने हैं क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स ते वर्क डन अगेंस्ट फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट है। दूसरी गल कि फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी है। तो एक गल थानू पहला दसी सी कि जदों भी कोई वर्क होएगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो वो वर्क डन स्टोर्ड एनर्जी हो जाता भी एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो जाता और स्टोर हुई एनर्जी नू असी नाम दिंदे आ पोटेंशियल एनर्जी और वो जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है उन्हों फर्दर असी उहदा नामकरण करते हैं कि जे तां वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल ता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जे ओ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर ओ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग दे अंदर पैदा होने वाली रीस्टोरिंग फोर्स फिर ओदा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दियां भी वक-वक डिफरेंट टाइप्स है पर आपां जिहड़ी हुण इत्थे डिटेल च स्टडी कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हुण सानू ये पता लग चुका वा या लग जाना चाहिए वा हुण तक भी डिस्कशन तो बाद कि दो पार्टिकल्स दे विच जिहड़ी फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ देयर मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स है या अर्थ अर्थ ते किसी पार्टिकल या बॉडी च लगन वाली जड़ी फोर्स है बिकॉज ऑफ देयर मासेज ओ केड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स नू कैलकुलेट करन दा फार्मूला की दसिया होया यो फार्मूला थानू दसिया सी कि अगर दो पार्टिकल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आ जाएगा पर अगर मान लो एक अर्थ है अर्थ मीन्स सॉलिड स्फीयर और दूसरा पार्टिकल है तो अर्थ और पार्टिकल दे विच जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है उन्हों कैलकुलेट करन दा फार्मूला बनेगा याद है पे ओ फार्मूला कल भी आपां डिस्कस कीता सीगा तो दोबारा सुन लो पुत्र देखो कि अगर अर्थ और एक बॉडी है क्योंकि जिहड़ी बॉडी होनी है वो अर्थ दे साइज दे मुकाबले बड़ी छोटी होनी है तो उन्हों असी पॉइंट की तरह ही ट्रीट करना बॉडी और ज्यादातर केसेस की होना वा कि जड़ी बॉडी है वो अर्थ दे बाहर होनी है बाहर मीन्स एक्सटीरियर पॉइंट दे जिदा सारी अर्थ है आ बॉडी ता इना दोनों विच लगन वाली फोर्स दी कैलकुलेशन होनी है जी एम एम बाय आर स्क्वायर पर आर केड़ा लेना उस छोटी बॉडी का अर्थ दे सेंटर। पर अगर तुम्हारे सामने कोई भी बॉडी अर्थ दे सरफेस ते अगर आ जाए तो यही अर्थ ने बॉडी दे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगानी है
और वो फार्मूला बन जाना दिस वन, क्योंकि जदों ये बॉडी अर्थ के सरफेस से पहुंचेगी तो स्मॉल आर की वैल्यू घट के कितनी रह जानी, रेडियस दे बराबर। और अगर आ अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास है, हम आ जी बॉडी है कितने है, ये मान लो अर्थ के अंदर है, उसे पहुंची कितना, जिदा मान लो अर्थ के अंदर असि टनल बनाई है, ठीक है, वो टनल के अंदर रखी है बॉडी, मतलब वो बॉडी अर्थ के इंटीरियर पहुंच गई, तो हम इस बॉडी पे लगने वाली फोर्स एफ कितने बराबर होनी, जी एम आर बाय आर क्यूब। उन्हें सारे फार्मूलाज असि डिस्कस किए हुए, पर कितना कीते सी हम देखो, एक्चुअली जिन्होंने तो क्लासेस पिछलियां लगाइया उन्होंने पता लग जाना कि चाहे फर्स्ट केस है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस करके असी जदों ये दसना चाहते हाँ आ जी बॉडी है ये कितना लाई कर रही है अर्थ दे ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये जी बॉडी है ये अगर पी पॉइंट पे है तो पी पॉइंट अर्थ दे बाहर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर पॉइंट दे अर्थ दे ग्रेविटेशनल फील्ड दी इंटेंसिटी होती है जी एम बाय आर। तो मतलब आ फोर्स का रिजल्ट कितों आया कि क्योंकि थोड़ी बॉडी जिथे लाई कर रही है उत्थे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जी एम बाय आर स्केयर है, ते इंटेंसिटी और मास मल्टीप्लाई होके फोर्स से कन्वर्ट हो जाती है। इदा ही जदों सरफेस की गल करते हैं पी वन पॉइंट, तो पी वन पॉइंट क्योंकि अर्थ के सरफेस से है तो इतने इंटेंसिटी की वैल्यू, और जितने इंटेंसिटी आई है उतने मास स्मॉल एम है, दोनों ने मल्टीप्लाई होके फोर्स बन जाए, और इंटीरियर पॉइंट से इंटेंसिटी पी टू पॉइंट से इंटेंसिटी भी है जी एम आर बाय आर, तो जो आई और एम ने मल्टीप्लाई होना था फोर्स बन जाए, सो उतों ही रिजल्ट्स आए हैं, इन साइड पे नोट कर लो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, तो यदि डेफिनेशन लिखी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन टू ब्रिंग सॉरी टोटल वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स नाल पूरी कर ली है टोटल वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स from infinity to their respective positions. Positions. देखो बेटा, और अगर पहला दापा है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अगेंस्ट हूं ये जरा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है तीसरी गल क्योंकि ये वर्क के बराबर है इसका मतलब इसका एसआई यूनिट जीरो है ना लिखनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हूँ साढ़े सामने सिस्टम नजर आएगा जेडे दो पार्टिकल्स का सिस्टम बनिया उधे जो एक पार्टिकल का मास की है और वो ए पॉइंट पे लाई कर रहा दूसरे का मास किथे लाई कर रहा और दोनों पार्टिकल्स दे विचली दूरी आर है देखियो हुन देखो हुन अपन ने कहा कि यदि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी ये साडे लिए हाले क्वेश्चन मार्क है पर देखो इस गल नु इतना समझो क्योंकि ऑलरेडी कल आपा एक आर्टिकल कीता सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नु कितना डिफाइन कीता सी
वर्क डन पर यूनिट मास, कल वाला आर्टिकल कटो था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दी एक्सप्रेशन कटन तो पहला पहला अपन टोटल वर्क डन कटिया सी कितना आया सी कल आया नहीं सी वो सी का वर्क डन आपका केड़ा वर्क डन लेना तो कितना हो माइनस जीएम 1 m2 बाय r जान एक कैपिटल m होना एक है ना सो हुन गल नु सुनियो पुत्र बड़े आराम ना देखो हुन जे आपा इस नु कांसेप्ट नु अपनी नॉर्मल लाइफ दे नाल जोड़ के देखिए समझने की कोशिश करने लिए सिर्फ उतना पूरी तरह ना सिंचाई नहीं हो बट नेड़े तेड़े है और जिस तरह मान लो एक जगह ते खाली प्लाट है ठीक है किसे ने वो प्लाट खरीदिया और उदे लई उन्हें बिल्डिंग बनाने का फैसला किया भी इतने मैं एक बिल्डिंग बनानी है मकान बनाना कोठी बनानी है ना अच्छा हुन उदे लई हुन कोठी बनाने लई जे आपां कंपोनेंट्स सोचिए की है तो उन्हें इट्टा रेता सीमेंट लकड़ी लोहा लेबर है ना लेबर बजरी सारा कुछ ही चाहिदा होएगा है ना पानी चाहिदा सब तो ज्यादा पैसे क्योंकि उन्हें नाल खरीदना हम गालू सुनियो हुन वो सुन ला हुन जदों उन्हें ये सारा फैसला कर लिया ठीक है और इट पता नहीं कितों आई मोगे तो आई रेता पठानकोट दी है शाहकोट वालों आई जेडी लकड़ी है वो पता नहीं एमपी तो आई है ना सागवान या बारों फॉरेन तो मंगाई जेड़ा लोहा पता नहीं बिहार तो आया के झारखंड तो आया उसमें निकलना और तार थोड़ी बना लेना लोहा अलग अलग जगह तो ही रीजन है कि नहीं तो कहना मतलब जिन्हों ने मिलके ये बिल्डिंग बनानी है चीजा ने तो वो उन्होंने ओरिजन अननोन है अननोन मतलब आपा जेको खरीदिया उसको ही लगता ना इटा एक लेनी है बट इटा उन्हें घर नहीं बनाई अगे पट्ठे पट्ठे की मिट्टी कितों आई तो वो सारा कुछ है तो उन्होंने असं की मान लें जी अननोन चीज है एक तरह की उन्होंने असं अपने लिए कर लें इनफिनिटी वैस इनफिनिटी भी अननोन ही है इनफिनिटी हो के भी नहीं है ते नहीं हो के भी है मतलब हैगी भी है नहीं भी है दोनों गल तो किताबा चाहिए उतना नहीं इनफिनिटी का कोई मतलब नहीं है ना जे तुम एक तो दो नंबर काउंट करते हैं दो तो तीन तीन तो चार चार तो चार हजार चार तो चार लाख तो तुम इनफिनिटी वाल जा रहे हैं पर पहुंच नहीं पाना उ क्योंकि डिफाइन ही नहीं होंगी तो हुण वो सारिया चीजा जो इकट्ठिया हुई अपनी अपनी जगह से फिट हुई ता बिल्डिंग बन गई और उन्होंने फिट करने लिए की है जेड़ा जोर लगा मेहनत लगी जे तो ओनर वालों करिए तो मेहनत लगी पैसे दी फॉर्म च मनी खर्च हुई वो बिल्डिंग बन गई पर वो वेस्ट नहीं हुई प्रैक्टिकली ना विजय मान लो उन्हें 40 लाख लाया वा बिल्डिंग बनाने च तो उन्ना का तो मिल ही जाना ज्यादा ही मिलना प्रैक्टिकली तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई समझ गए कि नहीं जिदा इतने की है आने किन्ने मासेज है हम इटा बजरी सीमेंट रेता की जगह से एम वन एम टू दो चीजा आ गई है ना तो आप दिमाग सोचना भी
ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਰੇਤਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਰੇਤਾ। ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨਾ ਕੰਮ। ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? M1। ਫਿਰ M1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ M2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ M1 ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ M2 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ M1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੋ ਜਦੋਂ M1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ M1 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ A ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ M1 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ M1 ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ M1 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ? ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ M2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ B ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ M2 ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ M1 M2 ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ M2 ਔਰ M1 ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, M2 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ? ਤੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ M2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ B ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ F.dr ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਤਾ? ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ M2 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ DR ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ M1 ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। M1 ਨੇ M2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? F DR 180°। ਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ, ਕੋਸ 180° -1 -(-) ਪਲੱਸ F DR। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ F ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ। ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ? M1 ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈ? M2 ਤੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ W2
इंटीग्रेट सिर्फ इनू करना पड़ा और आ रिजल्ट भी है माइनस वन बाय आर, पता ना, क्योंकि कल दसिया सी डी आर बाय आर स्क्वायर नू आपा इदा लिख सकते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन इदा बन जाना है और माइनस साइन बाहर आ गया पुत्र जी एम वन एम टू वन ओवर आर माइनस वन ओवर इंफिनिटी, वन ओवर इंफिनिटी जीरो है तो डब्ल्यू टू हो गया माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। तो पहले पार्टिकल नू इंफिनिटी तो ए तक ले आने कितना वर्क करना पे असी जीरो, दूजे नू और साडा सिस्टम दो ही पार्टिकल्स का बनया, इना मतलब टोटल वर्क डन कितना होया W1 प्लस W2 दोनों वर्क डन ऐड कर लो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब दो पार्टिकल्स तो बने सिस्टम दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कटन दा फार्मूला की है इतना ही लिखो। फॉर ए सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स गैप दसना पहला और दूजा पार्टिकल कितनी दूर है या आप लिखांगे आर वन टू या लिख दांगे आर एक तो दो तक की दूरी या दो तो एक तक की दूरी कोई होगी इसका मतलब फिर आर की लिखांगे अपन एक तो तीन या तो फिर आर की लिखांगे दो तो तीन या
पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਲਿਆਣ ਲਈ ਕਿ M1 ਨੂੰ A ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ M2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ B ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ M3 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ C ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਆ M1 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ M2 M3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਆਣਾ M2 ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ M1 ਹੈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਇਹੀ ਸੀ M2 ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ M1 ਦੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਮਾਈਨਸ G M1 M2 ਓਵਰ R ਕੀ ਸੀਗਾ M1 ਔਰ M2 ਚ डिस्टेंस हुण किन्ना वा या 2 1 दोनों च कोई भी लिख चलो हुण तीसरा के नहीं आना M3 ने हुण इदा देखियो पुत्र जेड़ा M3 आया उस तो पहला ऑलरेडी कौन आ चुके हैं M1 ते तो ਜੇ ਕੱਲਾ M1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ M3 ਨੂੰ ਲਿਆਂਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ GM1 ਓਵਰ R1 ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੱਲਾ M2 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ GM1 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ GM2 M3 ਓਵਰ ਇਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ